हे गाइज, व्हाट्सअप, आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप फ्रेंड्स? आई होप गाइज अच्छे होंगे आप सभी। एंड बाय द वे गाइज, आई एम सिराज। सो बाय द वे गाइज, इस वीडियो में कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। बट गाइज, इस एडिटिंग में यूज होने वाले बैकग्राउंड एंड एप्लीकेशन का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेकआउट करके डाउनलोड कर लेना। सिंपली गाइज, डाउनलोड करने के बाद आपको बताते हैं किस तरह आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर पाएंगे स्टेप बाय। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझाएंगे किस तरह इस टाइप के फोटो एडिटिंग कर पाएंगे अपने मोबाइल में। सो लेट स्टार्टेड। तो सिंपली गाइज, डिस्क्रिप्शन से बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय बताते हैं किस तरह दोस्तों आप एडिटिंग कर पाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड फोटो, देन इस पर क्लिक करके आपको अपने डीपी को ले लेना है, अपने मॉडल को ले लेना। तो सिंपली मैं ऐड फोटो पे क्लिक करके मॉडल को ले लेता हूँ। तो सिंपली गाइज, आप देख सकते हैं मैंने मॉडल को अपने ले लिया। देन गाइज, बात कर लेते हैं, अगर आपको अपने बैकग्राउंड का पीएनजी बनाना नहीं आता तो दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वीडियो द्वारा किस तरह दोस्तों अपने फोटो को पीएनजी बनाते हैं। और दोस्तों हेयर भी बनाना सिखा देंगे, कमेंट आप कर दीजिए। तो सिंपली सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोटो को एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह, आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्रॉप, सिंपली इस पर देन क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फोटो को अपने कुछ इस तरह क्रॉप कर देना है, कुछ इस तरह क्रॉप करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में राइट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको फिर से वही यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली देन प्लस पे क्लिक करके आपको ऐड फोटो पर आपको फिर वही पीएनजी मॉडल ले लेना। तो सिंपली मैं ले रहा हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने फिर वही पीएनजी ले लिया। यहाँ से लेने के बाद दोस्तों आपको बताते किस तरह दोस्तों आपको एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको एडजस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना है। आपको एडजस्ट करके दिखा, कुछ इस तरह आपको अपने फोटो को एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाले टूल पे देन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देन आपको जूम कर लेना। जूम करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला टूल इस पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले पार्ट को रिमूव कर देना, कुछ इस तरह आपको रिमूव कर देना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको इरेज इस पर फिर देन इस पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को जो डिलीट हुआ उसको इस तरह ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह अपने फोटो को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह आपको हल्का हल्का इरेज कर देना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको इरेज कर देना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में फोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा एडजस्ट। सिंपली देन इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ब्राइटनेस को एकदम लो कर देना है। यहाँ पर दूसरा कंटेक्स्ट लिखा है, देन इस पर भी इसको भी लो कर देना है। सैचुरेशन को भी लो कर देना है। देन इतना करने के बाद दोस्तों आपको ह्यू को भी पूरा माइनस कर देना है, इतना कर देना कुछ। आप देख सकते हैं शैडो को भी माइनस कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में राइट पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑपसिटी पे आ जाना है। ऑपसिटी पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह कर देना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कर देना है। इस तरह करने के बाद दोस्तों आपको फिर इसी वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना। मैंने फटाफट रिमूव करके आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है, यहाँ से रिमूव कुछ इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट को कर देना है फटाफट, जो आपके शर्ट पे आया है टी शर्ट पे, देन उस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देना कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह ऑपसिटी कर देना है। आप आराम से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे। देन आपको फिर से वही एडजस्ट पे जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले टूल पे फिर जाना आपको। देन इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर ब्राइटनेस को एकदम लो कर देना है, कंटेस्ट को भी लो कर देना है। लो करने के बाद दोस्तों फिर आपको लेफ्ट साइड में राइट पे देन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑपसिटी को कुछ इस तरह आपको फिर से सेलेक्ट कर देना। आप देख सकते हैं कुछ इतना सेलेक्ट कर देना। देन सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपका आपके फोटो का शैडो बन जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में राइट पे देन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बताते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन शो रहा है, देन इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। आने के बाद देन इस पर लेफ्ट साइड में आपको
थ्री डॉट दिख रहा है, देन इस पे क्लिक करके आपको सेव बटन पे क्लिक करके आप गैलरी में इसे सेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाना है, तो दोनों उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ चेक आउट करके लाइटरूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। सो बाय द वे गाइस, आप लाइटरूम में अपने फोटो को ओपन करने के बाद आपको बताते हैं क्या सेटिंग आपको लाइटरूम में करना होगा। आपको डीपी को और बैकग्राउंड को मैच करना है, तो सिंपली गाइस आप स्टेप बाय हमारे तरीके से आप मैच कर पाएंगे। तो देन आप बात कर लेते हैं लाइटरूम में, नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा लाइट, तो सिंपली देन लाइट पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय बताते हैं किस तरह दोस्तों सेटिंग करना है। तो सिंपली गाइस आप देख सकते हैं हाईलाइट, सिंपली हाईलाइट को कुछ इस तरह आपको कर देना है फटाफट। देन गाइस आपको कुछ इतना सेटिंग करना है लाइट में, आप देख सकते हैं, आप इस तरह देख सकते हैं, आप देख लीजिए इस तरह दोस्तों अपना सेटिंग कर लेना अपने फोटो के हिसाब से। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करेंगे तो इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छा एटीट्यूड वीडियो बनाएंगे, तो सिंपली गाइस आप लाइक कर देना। देन गाइस इतना सेटिंग करने के बाद आप देख चुके होंगे, अब इसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है, किस टूल पे जाना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कलर का ऑप्शन, देन इस पे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या इसमें सेटिंग करना, मैं आपको स्टेप बाय बता देता हूँ। तो सिंपली गाइस इसमें कुछ अधिक सेटिंग नहीं करना, आपको सिर्फ वाइब्रेंस को छेड़ना है और सेचुरेशन को 29 कर देना, -10 कर देना है। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस वाले टूल, यहाँ पर मिक्सर टूल, देन इस पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बताते हैं इसमें क्या सेटिंग करना है, आपको स्टेप बाय बताएंगे आप अच्छी तरह सेटिंग कर पाएंगे। देन यहाँ पर दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन, देन इस पे क्लिक कर दें दूसरे कलर पे सेट। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेचुरेशन दिख रहा होगा, देन इसको -13 कर देना है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह दोस्तों आपको सेटिंग कर देना है, ल्यूमिनस को 35 कर देना, अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा एडिटिंग आप कर पाएंगे। देन का यहाँ पर दिख रहा होगा फोन नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले टूल पे, ग्रीन वाले टूल पे सेलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे देख सकते हैं ह्यू का ऑप्शन दिख रहा है, देन इसको क्या करना होगा इंक्रीज कर देना, माइनस कर देना होगा 100। उसके बाद सेचुरेशन को आपको क्या करना होगा माइनस इसको भी कर देना होगा। यहाँ पर आराम से कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा एडिटिंग आप कर पाएंगे। कुछ इतना सेटिंग इसमें कर देना, ह्यू को 100 माइनस कर देना है, सेचुरेशन को +100 कर देना। उसके बाद आपको येलो वाले पे कलर पे आना, उसके बाद यहाँ पर इस तरह इसमें भी सेटिंग कर देना, आपको माइनस कर देना ह्यू को और सेचुरेशन को प्लस कर देना। देन इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर नीचे आना है 6 नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर, देन इस पर क्लिक कर देंगे इस वाले पे। देन इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ह्यू को आपको 46 कर देना है। फोटो के हिसाब से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा आप एडिटिंग कर पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे आप अपने फोटो को। तो सिंपली गाइस लाइक कर देना भाई, मैं काफ़ी आपसे कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और दोस्तों काफ़ी अच्छा एडिटिंग आपको करना सिखा देंगे। तो देन गाइस इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा इस टूल पे, यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले टूल पे, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद दोस्तों आपको क्लियरिटी को अपने फोटो के हिसाब से दे देना, कुछ इतना आप देख सकते हैं अपने फोटो के हिसाब से मैं दे दे रहा हूँ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा नीचे इसको, देन फर्स्ट वाले ऑप्शन को इसको दोस्तों आपको 7 कर देना है, 7862 आप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको विग्नेट को आपको कर देना, अपने फोटो के हिसाब से 25 कर देना, 23-25 कर देना, काफ़ी अच्छा स्मूथ होगा अगर विग्नेट आप अपने फोटो को डाल देते हैं, काफ़ी स्मूथ देखने में लगता है आपका फोटो। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा डिटेल, सिंपली इस वाले टूल पे देन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शार्पनिंग, देन इसको आपको इंक्रीज कर देना कुछ इतना, नोज रिडक्शन यहाँ पर दिख रहा है, सिंपली इसको भी कर देना 50-51 कुछ इतना सेटिंग कर देना, आप देख सकते हैं इतना सेटिंग कर देना। कलर नॉच यहाँ पर दिख रहा है, देन इसको भी आपको 50 कर देना है। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपका फोटो एडिट हो जाएगा, देख सकते हैं आपका फोटो बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छी तरह मैच हो गया। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको देखने में लगा। देन गाइस इतना सेटिंग करने के बाद आपको फिर इसी वाले टूल पे आ जाना है, देख सकते हैं इस वाले टूल पे आने के बाद दोस्तों आपको इस पे मिक्स पे देन क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस टूल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ब्लू वाले टूल को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका ह्यू को कर देना 46, देन इतना कर देना है 56 कर देना, इसको आपको कुछ इतना इंक्रीज कर देना। आप देख सकते हैं दोस्तों आपका फोटो कुछ इस तरह आपका एडिट हो जाएगा परफेक्ट, आप देख सकते हैं फुल एडिट आपका फोटो हो गया, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी स्मूथ आपका फोटो एडिट हो गया। अब सिंपली दोस्तों इसे सेव करने के लिए आपको शेयर के ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना, यहाँ पर सेव टू डिवाइस कर देना। आई होप गाइस आपको वीडियो पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पे एडिटिंग पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप गाइस आपको स्टेप बाय समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर यू दोस्तों।